हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न है, ये अदरक है, ये लहसुन की कलियां हैं और ये दो छोटी इलायची हैं और ये दो प्याज हैं, पांच छह हरी मिर्चें हैं, आधा चम्मच से थोड़ा ऊपर नमक है और थोड़ा सा हल्दी है, थोड़ी सी तीखी मिर्चें हैं। तो गाइस, इसके बनाएंगे हम आज पकौड़े। तो आप देखिए किस तरीके से बनते हैं, पहली बार देख रहे होंगे आप इस तरीके के पकोड़े बनते हुए। तो सबसे पहले हम ये जो है प्याज को काट लेंगे, प्याज को काट के हम इस जार में डाल लेंगे। तो इसके ऊपर वाले का सफेद पार्ट जो है ये हम निकाल लेंगे और प्याज को इसमें काट के इस तरह काट लेंगे गाइस। इसके ऊपर वाला भाग ये निकाल लिया हमने और ये प्याज को काट लिया। ऐसे हम दोनों प्याजों को काट लेंगे, ये ऊपर का भाग निकाल देंगे इसका इस तरीके से। ये प्याज काट लिया है, ये अदरक हमने छील दिया था, इस अदरक के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसमें गाइस हमने मसाले कम डाले हैं क्योंकि इसमें अदरक और लहसुन हम डाल रहे हैं, और मसाले कम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पकौड़े जो सभी खा लेंगे। ये लहसुन हमने दो दो पीस करके डाल दिए, अच्छे से पीस जाएंगे। और ये दो छोटी इलायची हैं, ये भी हम इसमें डाल लेंगे, और ये मिर्चे हैं, मिर्चे भी इसमें डाल देंगे, मिर्चे ऐसे ये हो जाएंगे। और ये जो है स्वीट कॉर्न जो है इसको भी हम इस तरीके से डाल देंगे इसमें। तो गाइस, ये सारे मसाले को हम एक साथ पीस लेंगे, इसमें बाद में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और ये है नमक, हल्दी और मिर्चे, ज्यादा मसाला हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे हम थोड़ा सा, तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, दो से तीन चम्मच। अब हमने मिक्सी के जार को ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस, इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। देखिए अभी नहीं पीसा, देखते हैं ये किस तरीके से पिस गया। हाँ, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बन गया है। इसके पकोड़े बहुत अच्छे से बनेंगे, चाहे आप इसे चम्मच से बनाइए या हाथ से बनाना। इसे हम किसी बॉल में डाल लेते हैं। तो हम निकाल लेंगे, इस बॉल में निकाल लेंगे सारा सामान। इस तरीके से हमने इसको सारा खाली कर लिया है, चम्मच की सहायता से हमने सारा निकाल लिया इसके अंदर से। तो गाइस, ये देखिए कितना अच्छा बैटर बना है और इसके पकोड़े बहुत स्वाद होते हैं, हेल्दी भी है, बहुत बढ़िया है। इसमें हमने ज्यादा मसाले का प्रयोग भी नहीं करा है। तो गाइस, इसको देखना, आप लोग भी बना के ट्राई करना। तो हमने तेल को कढ़ाई के ऊपर रख लिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसके बनाएंगे पकौड़े। तो इसको हम चम्मच की सहायता, चम्मच के इससे भी डाल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पकौड़े बना लेते हैं। तो गाइस देखिए इस तरीके से, बहुत आसान तरीके से, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जब आपको भूख लगे आप ये बना सकते हो। और ये स्वीट कॉर्न के पकौड़े हैं, देखिए गाइस कितने अच्छे से बन रहे हैं, आप बड़े छोटे अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये देखिए, इसमें कम से कम एक बार में 10-15 पकोड़े आराम से आ जाएंगे। मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करती हूँ, सब्जी बनानी हो या साग फोंकना हो, पकोड़े बनाने हो, कढ़ी बनानी हो, तो मैं ज्यादातर लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। मेरे पास बड़ी कढ़ाई भी है, उसमें मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो गाइस, अभी हम इतने पकोड़े बना लेते हैं। तो इनको हम पलट लेंगे, ये हो गए बहुत अच्छे से लाल, ये देखिए।
तो गाइस इनको हम निकाल लेते हैं। जो हमने पहले डाले थे वो पक गए हैं। तो इस तरीके से हम इनको चलाते रहेंगे और इनका तेल अच्छे से निचोड़ लेंगे। छलनी को हम टेढ़ा करेंगे तो इसका तेल सारा निकल जाएगा। गैस खाने में बहुत स्वाद लगते हैं ये पकौड़े, बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। जब आपको भूख लगे, घर में स्वीट कॉर्न हो तो आप आराम से बना सकते हो। प्याज वगैरह तो होते ही है घर में, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्चें। तो गैस इस तरीके से देखो कितनी अच्छी लग रही है उसके स्वीट कॉर्न के पकौड़े। स्वीट कॉर्न की रोटी भी बनती है, मैं दूसरे दिन रोटी बना के दिखाऊंगी आपको। हम ये निकाल लेंगे गाइस। हम इसका तेल अच्छे से निचोड़ ले रहे हैं, हम छलनी को टेढ़ा कर रहे हैं। टेढ़ा करने से इसका सारा तेल निकल जाता है। देखिए प्लेट में तेल नहीं है। तो देखिए गाइस ये बन गए हैं पकौड़े। अब हम एक बारी और डालेंगे इसमें। एकदम पकौड़े निकालने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद डालना चाहिए पकौड़े, क्योंकि तेल ठंडा हो जाता है। तो अभी हम 1 सेकेंड रुक करके डालेंगे। तो हम डाल लेते हैं ये पकौड़े भी। आप किसी भी आकार में बना सकते हैं इसको, हाथ से बनाओगे तो गोल गोल बनेंगे, और हम चम्मच से डाल रहे हैं तो थोड़ा लंबाई में बन रहे हैं। गाइस आजकल धनिया नहीं मिल रहा है, धनिया होता ना तो इसमें थोड़ा धनिया भी डालता तो बहुत अच्छा लगता है, हरा हरा। लेकिन यहाँ मंडी में नहीं मिल रहा है, मैं तो हर बार ही जाती हूँ तो मंडी में धनिया नहीं होता। तो इस तरीके से हम सारे पकौड़े बना लेंगे। ये देखिए इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बनाने में ज्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए इसमें। ये देखिए इस तरीके से हम सारे डाल लेंगे इसमें। देखिए भाई एक बार और बनेंगे थोड़े से, ये हम सारे डाल देते हैं एक बार में। ये देखिए हमने सारे डाल लिए हैं एक बार में आ गए। ये हमने 2 बार में बना लिए पकौड़े। गाइस ये हो गया शाम का नाश्ता तैयार। मैं तो कभी खीरा खा लेती हूँ जब भूख लगती है, कभी बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, और जो चीज घर में होती है, कभी सेब होता है। आज कुछ नहीं है तो मैंने सोचा आज ये पकौड़े बना लेती हूँ मैं स्वीट कॉर्न पे। जब मन करता है कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। शाम के टाइम भूख लग जाती है इस टाइम पे। तो गाइस अभी ये अच्छे से पकेंगे, इतना हम इनको पलट लेते हैं अच्छे से इस तरीके से, धीमे हल्के हाथ से पलट लेंगे इनको। अभी करारे हो रहे हैं पकौड़े। अब ये करारे हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से पक गए। इनका तेल इस तरीके से निकाल देंगे हम, इसको झरने को टेढ़ा कर देंगे तो इसका सारा तेल जो है कढ़ाई में चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। जब इसको वैसा टेढ़ा कर लेते हैं तो सारा तेल कढ़ाई के अंदर निकल जाता है, प्लेट में नहीं लगता। ये देखिए हमने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। तो गाइस ये बन गए पकोड़े। अब हम गैस को कर लेंगे बंद। गैस हमने बंद कर लिया, अब हम इनको प्लेट में रखते हैं। अब हम पकोड़ों के इनमें सजा लेंगे। तो गाइस ये छोटी छोटी प्लेटें रखी हुई है, कटोरियां रखी है मैंने, इन कटोरियों में 2-2 पकोड़े रख लूंगी इस तरीके से। ये 2-2 पकोड़े रख करके थोड़ा ही सजाने के लिए, आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। और ये जो सारे पकोड़े हैं इसको हम इस वाली प्लेट में रख लेंगे। देखिए गाइस हमने झरने में अच्छे से निकाला था, इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है। झरने को टेढ़ा कर दोगे तो तेल बिल्कुल नहीं निकलेगा।
तो गाइज ये हो गया है। और ये देखिए हमने बना रखी है थोड़ी सी टमाटर की चटनी, लाल मिर्च और टमाटर की चटनी। तो गाइज आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, स्वीट कॉर्न के पकौड़े कैसे लगे आपको। तो आपको अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और नए देखे तो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू। फिर भी एक बार हम इनको तोड़ के दिखाएंगे आपको। तो गाइज ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं ये।